This movie uncoded by Patty 87. दो हजार साल पहले एक बेहद मक्कार जादूगर नगरूल, जिसे मासूमियत को तबाह करने और दूर दूर तक मायूसी फैलाने में महारत हासिल थी, आखिरकार अपनी आखिरी सांसें गिनने के करीब आ पहुंचा। हर जिंदा चीज से नफरत की आग में जलने वाला नगरूल अपनी आत्मा पहले ही नरक के शैतान राक्षसों को बेच चुका था, ताकि मरने के बाद कम से कम उसकी गंदी काली आत्मा तो बची रहे। एक दर्दनाक कर्मकांड में नगरूल की चमड़ी को पन्नों में बदल दिया गया, उसकी हड्डियों को पीसकर जिल्द बनाया गया और उसके गंदे खून को स्याही बनाकर अब तक की सबसे शैतानी किताब लिखी गई। इसे देखने वाला हर इंसान पागल हो गया और इसमें मौजूद मक्कार इल्म ने उसे ऐसा डसा कि वो चाहे अनचाहे शैतानी रास्तों पर उतर आया। नगरूल को मानने वाले इंसानी खून और बेचैन आहों से उसके काले ख्वाब में रंग भरते चले गए। जमीन के नीचे दबी गंदी और नाजायज चीजें हर गंदे बिल और छेद में से बाहर निकल आईं और बर्बादी का गंदा खेल खेलने लगी। कारकोत के शहर और रियासतें इस बुराई के बुखार में तपती रहीं, पर तभी अचानक जाबाज लड़ाकों का एक दल पैदा हुआ। खुद को नए सूरज के योद्धा कहकर पुकारते थे और इस मरती हुई जमीन में नई उम्मीद जगाने की कसम खाकर जीते थे। उनके दिलों में भरी सच्चाई इतनी मजबूत थी कि रोशनी के देवता पेलोर ने खुद इन लड़ाकों को बेपनाह ताकत से भरे रक्षा कवच दिए थे, जिनसे इन्हें उसकी रूहानी ताकत मिला करती थी। ये नए सूरज के योद्धा उस काली छाया को दूर भगाने लगे, जिसने इस जमीन को 1200 सालों तक एक गंदे अंधेरे से ढक दिया था। ये कुछ लोगों को लुभा नहीं पाए। नगरूल के कुछ खास चेलों ने उस किताब को तीन हिस्सों में अलग करके तीन लालची आत्माओं को रिश्वत देकर उन हिस्सों को छुपा दिया, ताकि बाद में उन्हें एक साथ जोड़ा जा सके। बरसों तक अमन कायम रहा और धीरे धीरे
उन योद्धाओं की यादें धुंधली पड़ती गईं। लोगों ने नगरुल को भी भुला दिया और बेलौर के रखवालों को भी। नए सूरज के वो योद्धा एक गलत फहमी पाले बैठे थे कि अब वो गंदे अंधेरे की किताब दोबारा कभी नहीं जुड़ पाएगी। बेलौर, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपके लिए हमारी सेवा शपथ को फिर से याद करने के लिए और एक और भली आत्मा को हमारे बीच में शामिल करने के लिए। कहते हो कि महान बेलौर की सेवा में तुम पूरा जीवन सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे। जी। वचन दो कि तुम दुनिया भर के सारे ऐशो आराम त्याग दोगे। जी हाँ। कमजोरों की रक्षा करोगे और मक्कारों पर कोई रहम नहीं करोगे। हाँ। और सबसे अहम बात ग्रेसन, जब सारी की सारी रोशनियां बुझ जाएं, तब उम्मीद के अकेले दिए बनकर जलते रहोगे। तुम कभी भी किसी से भी हार नहीं मानोगे। अंधेरा कभी नहीं जीतेगा जब तक मेरे अंदर रोशनी जिंदा है। बेलौर के आशीष लेने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाओ। तुम्हें वापस चलना होगा। इस रस्म के लिए बाकियों ने तुम्हारे लिए सोना इकट्ठा किया है। तुम दुखी हो क्योंकि मूर्ति ने तुम्हें पहचाना नहीं ना? मैंने सोचा था मैं उसे जगा पाऊंगा। ठीक ऐसा ही पिछले 800 सालों से हमारे दूसरे योद्धा भी सोच चुके हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन मैंने आपको निराश किया। तो क्या हुआ, तुम फिर भी एक योद्धा हो? एक योद्धा। यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोगों की आत्मा तो आम इंसानों जैसी है, नेक होना तो दूर की बात। सब हम पे हंसते हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में सुना है। हम ये पहनते ही क्यों हैं? आखिर इससे होता क्या है? ऐसा लग रहा है तुम इस बात से नाराज हो कि इतने सालों से अमन कैसे कायम रहा। ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें लगा था यहाँ बचपन के किस्सों की तरह सब कुछ घटेगा? बेलौर की शक्ति सीधा मूर्ति से तुम्हारे अंदर आने लगेगी। हाँ, और क्या, मैं 800 साल में नए सूरज का पहला सच्चा योद्धा साबित होता। हाँ, पर तुम्हें पता था कि ऐसा घट सकता। पर मेरे साथ नहीं। मुझे लगा मैं बाकियों से अलग हूं। मेरे भी बिल्कुल ऐसे ही ख्याल थे जब मैं तुम्हारी उम्र का था। ठीक यही लफ्ज मैंने भी अपने पिता से कहे थे और जो उन्होंने मुझसे कहा वो उनके पिता ने उनसे कहा था। और अब मैं तुमसे कहूंगा कि अगर योद्धा बनना चाहते हो तो ठीक उन योद्धाओं जैसी सोच रखो। बेलौर,
मारते दम तक। आपके सबसे वफादार और नेक योद्धा को बारबेरियन उठाकर ले गए हैं। चलाश पूरी हो गई ना, अब पैसे चुका। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, चल पैसे निकाल। हाँ देते हैं। नहीं मैंने, अरे बड़ा मजा आ गया। आ जाओ, शर्माओ मत, दरवाजा बंद कर दो, वहां चले जाओ और अपने कपड़े उतार दो। मुझे बस बात करनी है। पैसे तुम्हारे हैं? क्या बात करनी है तुम्हें? ये बारबेरियन अभी जो बाहर थे, ऐसे और कितने हैं यहाँ पर, इनके बारे में और कोई जानकारी? क्यों जानना चाहते हो इनके बारे में? वो मेरे पिता को ले गए हैं और मुझे उन्हें ढूंढना है। मैं तुम्हारी मदद करके अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? मैं तुम्हें असली सोना दूंगा। अब ये मेरे लिए सिर्फ एक पत्थर है। मेरा भाई भी नए सूरज का एक योद्धा था, वो भूखमरी की वजह से मारा गया। तुम मदद करोगी? वो बारबेरियन किसी खास कैदी की बातें कर रहे थे। क्या? क्या? कुछ अंदाजा है वो कहाँ गए? मैं नहीं जानती, पर ऐसे लोग हैं जिन्हें काफी कुछ पता है। तुम्हें अपने पिता को छुड़ाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। चलो, मेरा दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। कैसे हो टैम्बोर? कैसी हो कार्लोटा? नया दोस्त? सारे नए होते हैं। हथियारों के खजाने में तुम्हारा स्वागत है। आज ही मैं ये दुकान बंद कर रहा हूँ, कोई मोल तोल नहीं होगा। क्या चाहिए ये बताओ। वो दिव्य अंगूठी दे दो, सामान रखने के लिए बस्ता, खुखार तलवार,
और साथ ही ये कवच भी। अभ्यास करना है या लड़ना है? मुझे लड़ना है। और इन सब की कीमत कौन चुकाएगा? कार्लोटा ये गिनोगी? तुम्हें इतना सोना कहाँ से मिला? योद्धाओं ने मेरे लिए जमा किया। किस्मत तुम पर मेहरबान है। मेरे ख्याल से तुम्हें ये खतरनाक तलवार आजमानी चाहिए। इस तलवार को खून बहुत पसंद है। इसका लोहा अभी भी गर्म है, छू के देख लो। और एक जहर की शीशी। मैं हथियारा नहीं हूं कार्लोटा। सबसे खतरनाक जहर, जहरीला जहर। ये तुम्हारे लिए है, अगर वो तुम्हें ज्यादा तकलीफ दे तो। इसी मैखाने में शादरकाई कबीले की डायन खूंखार कातिलों को जमा कर रही है। वो और जो बार्बिडिन तुम्हारे पिता को ले गए, उन सबका एक ही आका है जिसका नाम है लॉर्ड शैत्रैक्स। शैत्रैक्स? वो कोई पुरानी चीजों के हिस्से ढूंढ रहे हैं। हो सके तो उनके साथ शामिल हो जाओ, उनका भरोसा जीतो। किस्मत ने साथ दिया तो तुम अपने पिता को ढूंढ लोगे। ग्रेसन, तुम्हारा पीछा ऐसी शैतानी चीजें करेंगी जिनका सामना ये तलवार नहीं कर सकती। मेरे दिल की सच्चाई कोई बाजारू चीज नहीं, जो इतनी आसानी से कहीं पर भी बिक जाए। हर चीज की कीमत होती है। मैं अपनी जान दे दूंगा। कहना बहुत आसान है। मैंने आज तक जो भी किया है वो आसान रहा है। पिता है वो मेरे। इसे छुपा दो। तुम रख लो। नहीं, इससे मेरे भाई का बदला जरूर लेना और इसे छिपा के रखो। अगर उसने इसे देख लिया ना तो समझो तुम्हारी गर्दन गई। यहां आओ। हौसला रखना। चलता हूं। एल देना। हाँ। वो भी थोड़ी सी। हम जंगल से होकर इस गुफा तक जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या हम लोग अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे? क्या होगा अगर रास्ते में तुम्हारे साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना घट जाए तो? अगर तुम्हें सिंह का पता बता दूंगी तो तुम्हें उससे चुराने से कौन रोक सकेगा? मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरता। हथियारों की जुबान की भी कोई कीमत होती है क्या? जाहिलों की बातों पे ज्यादा गौर नहीं करता मैं। तुम सारे के सारे गलत फहमी मत रखना। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने बैठा है। तुम्हारा बेड़ा मैं ही पार कराऊंगी। तुम शायद मजबूत हाथ ढूंढ रही हो। ये है मजबूत हाथ? ऊपर बहुत सारे निकम्मे हैं तुम्हारे ही जैसे, वहां ज्यादा अच्छे लगोगे। ये क्या बदतमीजी है?
उस कुर्सी से उठ जाओ, वो मेरी है। अगर तुम में जरा सी भी अकल है तो इतना पता ही होगा कि इस जगह बैठने वाला कुर्सी के मालिक की परवाह नहीं करता। खौफ सबसे कमाल का हथियार है। क्या तुम खौफ पैदा कर सकते हो? वर्मन लॉर्ड सही है, यहां बैठने के लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। यहां किसी को भी चुनो और बिना सोचे समझे मार दो। अगर कामयाब हुए तो तुम हमारे साथ हो। तुम जानते नहीं तुम किन लोगों के बीच हो। हमारे साथ शामिल होने की तुम में कोई खूबी नजर नहीं आती। जानते भी हो हम क्या ढूंढ रहे हैं। मुझे सिर्फ इनाम से मतलब है और मेरे हिस्से से। इनाम है 5,000 सोने के टुकड़े और उस खजाने का एक बारवा हिस्सा जो हम रास्ते में लूटेंगे। एक बारवा क्यों? यहाँ तो सिर्फ 6 ही है। तुम इस काम में बच्चे हो। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से मैं काफी। माफी चाहूंगा। तो शुरू हो जाओ। इसे मैं रख लेता हूं। एक पांचवा हिस्सा कैसा रहेगा? तुम मेरे नक्शे पर खून गिरा रहे हो। हाँ महान शात्राक्स, हम निकल चुके हैं और हम 5 हैं। इस बारे में सोचना भी मत। किस बारे में सोचना? हमारे कबीले की औरतों का दिल जीतने के लिए खुद को साबित तो करो। मेरा दिल इतना मामूली नहीं। तुम्हारी कब्र पे छाप दूंगा उसका नाम। तुम्हारे लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। मैं दोनों हाथों से अच्छी नक्काशी करता हूँ। तुम्हें नमूना दिखाऊं? देखना चाहते हो? इसे अकेला छोड़ दो। ड्रैगन! ड्रैगन को सोते हुए पकड़ना चाहती थी। जो हमें चाहिए वो अभी गुफा में है। उसे थोड़ा खा पी लेने दो। वो 5 कैदी पकड़ चुका है। मेरा तजुर्बा कहता है कि इतना बड़ा ड्रैगन एक इंसान को खाने में 1 घंटा लगाएगा। यानी 5 घंटे? नहीं, 4.5। क्या? कैदियों में एक छोटा बच्चा है। ठीक है, फिर 4.5 घंटे। उन्हें खाने के बाद ड्रैगन सो जाएगा। नहीं, हम अभी हमला क्यों नहीं करते इससे पहले कि वो किसी को खाए और ताकतवर बन जाए। जुबान तभी खोलो जब तुमसे पूछा जाए। खड़े हो जाओ बच्चे। अक्सर जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं।
बस जरा देखो तो, ड्रैगन अभी सो रहा है क्या? एक और लाश और ड्रैगन सो रहा है। वो लड़का कहाँ गया? वहाँ नीचे। उस लड़के ने ही हमें ये जीत दिलाई है। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कई बार बिना सोचे समझे बोलने से हमारी बेवकूफी सामने आ जाती है। जरूरत पड़ने पर ही ज़बान खोलनी चाहिए। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ। एक बार जो मैंने सोच लिया वो मैं करता हूँ। ड्रैगन भक्षक। ये काम